Hi, good morning, students. I am Arvind Goswami on behalf of Mallikarjun School. Wish you World Ozone Day that we celebrate on 16 September 2020. Today, we are celebrating it from the last 33 years, where it was a Montreal Protocol that initiated to save the ozone. Okay, now if you are seeing these slides, the first slide you will be seeing that what is ओजोन. ठीक है, सो व्हाट इज ओजोन? सो बेसिकली ओजोन इज O3. ओके, O3 यानी कि ऑक्सीजन के हमारे कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर. हाउएवर वी नो दैट ओजोन इज अ डेडली गैस. तो यहाँ पे क्या होता है, ओजोन हमारे क्या होती है, दो लेयर्स पे हमारी होती है. एक होती है ट्रोपोस्फीयर में और एक हमारी होती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर पे. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लेयर्स पे हमारा ये इस तरीके से होती है कि एक लेयर पे ये हमारा क्या करती है, डेडली पॉइजनस गैस की तरह वर्क कर रही है, और दूसरी लेयर पे हमारा क्या करती है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है यूवी रेज के लिए. आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये ओजोन डिप्लीशन लेयर्स या फिर डिप्लीशन के लिए. तो ओजोन का डिप्लीशन हमारा किस तरीके से हो रहा है, जितना भी हमारा वेस्ट है या फिर जो भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, है ना, तो जितना भी इन्वायरमेंटल वेस्ट हमारा निकल रहा है, आप डायग्राम में देखो उसमें क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ से वहाँ की तरफ को मूव हो रही है. एक एरो दिखा रहा है इधर साइड से उधर साइड को, हाइड्रोकार्बन जो हैं वो हमारे मिटिगेट हो जा रहे हैं, यानी कि O3 बनने की जगह O के जो कंपाउंड है उसके साथ हमारा क्लोरीन या फिर दूसरे फ्लोरीन्स हमारे जुड़ जा रहे हैं. तो यहाँ पे व्हाट आर द मेन ओजोन डिप्लेटिंग सबस्ट्रेट्स, उनके बारे में बात करते हैं. तो ये हमारे जो मेन सबस्ट्रेट हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि हमारे क्या है, CFCs हैं. ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा क्या लिखा है, HCFC हाइड्रोकार्बोफ्लोरोकार्बन्स हैं. ठीक है, और बाकी सारे आप लोगों ने देखे ही हैं, ये सारे के सारे हैं. मिथाइल ब्रोमाइड भी हमारा इसमें से एक केस आप लोगों को दिख रहा होगा, इथाइल हमारा जो होता है. ये सारे के सारे हमारे क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हैं. बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट है जो इसको यहाँ पे कॉज कर रहा है. ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ OLD, अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ OLD, और OLD हमारा होता क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो OLD, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट साइड इफेक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्किन कैंसर. ठीक है, तो यूवी रेज हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो यूवी रेज में हमारे UVA, UVB इस तरीके से क्लासिफाई होती हैं. तो जो UVA और UVB है वो सबसे ज़्यादा हमारा मेलेनिन जो हमारा हार्मोन होता है या फिर जो हमारा स्किन कलर के लिए डिपेंडेंसी होती है, उस चीज़ को हमारा क्या कर देती है, रिमूव करना शुरू कर देती है, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, स्किन कैंसर होता है. उसके अलावा हमारा सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, प्री मेच्योर एजिंग. जो हमारी एजिंग है वो हमारी प्री मेच्योरली आनी शुरू हो जाती है. और इसी के अलावा हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो आई है, आईज़ का हमारा डैमेज हो जाता है. साथ ही साथ हमारा क्या है कि इम्यून सिस्टम है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कमज़ोर हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, द आर्कटिक या अंटार्कटिक ओजोन होल. जो ओजोन होल है वो हमारा का अंटार्कटिक होल लेवल पे हमारा जो है वहाँ पे दिख रहा है. तो डेसीबल्स में हम इसको मेजर करते हैं, तो उस बेसिस पे जितना डिप्लीशन हो रहा है हम उस चीज़ को यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप लोग देख सकते हो. ठीक है, इसके बाद क्या प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोग इसके लिए ले सकते हैं, उस चीज़ को हम आगे बात करेंगे. तो व्हाट कैन वी डू, ठीक है, ये स्लाइड आप देख रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट में हमारा क्या लिखा है, मेक यूज दैट टेक्निकल वर्किंग ऑन योर कार एयर कंडीशनर्स. यानी कि ऑल टोटल हमारा क्या है, आप लोगों को पता है कि अगर आपने ओजोन से बचाना है तो मेन चीज़ें क्या है, जो एयर कंडीशनर्स वगैरह हैं आपने उनको स्विच ऑफ रखना है. रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें से हमारा क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, तो इन चीज़ों को हमने केयर करने की ज़रूरत है. दूसरा क्या लिखा है, हैव योर कार और होम कंडीशनर्स यूनिट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एट ऑफ स्टेज, और हम क्या कर सकते हैं, उनको सीधे सीधे मिटिगेट कर सकते हैं. ठीक है, तो जो
हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ पर्टिकुलर हमारी एजेंसीज हैं जो हमारा ओजन लेयर के लिए वर्क करती हैं, वो हमारा इसको प्रिवेंट करने में हेल्प कर रही हैं। प्लस उसके अलावा ये पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं, ये हमारी बेसिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमारे क्या हैं पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओजोन से रिलेटेड हमारा क्या है और डिप्लीशन किस तरीके से होता है ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। अगली बात हम करेंगे फोटोकेमिकल स्मोक जो हमारा बनता है। हमने कहा था ओजोन है, तो ओजोन में हमारा फोटोकेमिकल स्मोक जो हम कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है। तो आप देखो ये एक गाड़ी दिखाई है, गाड़ी से हमारा क्या दिखा रहा है, इस तरीके से डिफरेंट गैसेस दिखा रहे हैं। अब ये गैसेस जो हैं ये हमारे क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हमारे किस में जुड़ जा रहे हैं, ओजोन में। एज ए रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, जो लोअर लेवल है, लोअर लेवल पे हमारा क्या होता है, ओजोन स्मॉग में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा था ना दो लेयर्स में हमारा होता है ओजोन, तो टोटल हाइट इसकी हमारी 30 किलोमीटर्स अबव सी लेवल्स होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरीके से ये हमारे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे वेरियस वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल हमारे ऑर्गेनिक कार्बन्स भी होते हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारा का सारा हमारा ओजोन पे है। अभी तक अगर हम बात करें ओजोन से रिलेटेड, तो ओजोन से रिलेटेड हमारा क्या है कि अभी तक जो हमारा वर्क किया गया है, तो मेन वर्क हमारा क्या किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा जो इंटरनेशनल सबमिट थी वो हमारी क्या करी गई है, वो सबमिट हमारी अभी तक लाई गई है, जो हमारा क्या करता है कि ओजोन को प्रिजर्वेशन करने के लिए हर साल हमारा 16 सितंबर को हमारा वर्ल्ड ओजोन डे बनाता है। और हर साल ओजोन को प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो आई होप आप लोग भी ओजोन को प्रिजर्व करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, कैसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से हमारे CFCs या फिर दूसरे हमारे पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, उनको मिटिगेट करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, हैव अ नाइस डे।